FCN न्यूज स्टूडियो से मैं हूं यासीन, ये थी आज की हेडलाइन। और मैं हूं मोहम्मद शफीक अबासी। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। सऊदी हुकूमत ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तानी की मदद की है। सऊदी किंग सलमान रिलीफ सेंटर के तआवुन से ज़ेर इंतज़ामिया और एहसार फाउंडेशन ने दीर बाला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 1200 से ज़ायद निदार गरीब यतीम और लाचार अफराद में फूड पैकेज तकसीम करके हवाले किया। फूड पैकेज में आटा, घी, चाय, दालें, खजूर और दीगर खुराक की अशिया शामिल थीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किंग सलमान रिलीफ सेंटर के नुमाइंदे ने कहा कि सऊदी हुकूमत किंग सलमान रिलीफ सेंटर के तआवुन से पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों में अब तक हज़ारों अफराद में फूड पैकेज के अलावा विंटर पैकेज भी तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हाल शदीद बर्फबारी से मुतासर अफराद और रमज़ान में फूड पैकेज की तकसीम का मकसद मुतासर अफराद की मदद और रिलीफ फराहम करना था। यह सिलसिला आइंदा के लिए भी जारी रहेगा। एहसार फाउंडेशन ने किंग सलमान रिलीफ सेंटर के तआवुन से इस कबल भी खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर अज़ला में हज़ारों अफराद में फूड और विंटर पैकेज तकसीम किए जा चुके हैं।